तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी, घर पे होंगी, सेफ होंगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तारीख पे तारीख और वीडियोस पे वीडियोस, लेकिन अभी भी ये डाउट बना हुआ है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यूँ तो मैं वीडियो बनाने के मूड में नहीं था, लेकिन काफ़ी से बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या है आपके व्यूज़ और कब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने की अपडेट हो सकती है, बिकॉज हम काफ़ी टेंशन में, हम एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं और हम स्टडी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों मेरे पास तीन अपडेट हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली अपडेट तो ये है, गुड न्यूज़ समझिए, या एक अपडेट है आप सभी के लिए, इस बार नीट 2020 एग्जाम्स में या जे 2020 एग्जाम्स में कोई भी NRI स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है COVID-19 वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जिसके चलते भारत आने की जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, वो सभी क्लोज कर रही हैं। यानी कोई भी फ्लाइट बाहर से भारत में नहीं आ पाएगी, और जब बाहर से कोई फ्लाइट नहीं आ पाएगी तो भारत में जो बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे, NRI बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम देने भारत नहीं आ पाएंगे। एक अपडेट ये थी कि केरला हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी कि भारत के बाहर सेंटर्स को बनाए जाएँ, ताकि जो बच्चे भारत के बाहर से हैं वो वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकें, तो जिस पे फाइनली केरला हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि ये बिल्कुल गलत है और ये संभव नहीं है। इसके लिए उसने बिल्कुल से जो है PIL को जो खारिज कर दिया है। ठीक है, ये पहली अपडेट हुई। अब जो दूसरी अपडेट ये रही, आज क्या अपडेट आएगी, बिकॉज काफ़ी यूट्यूब चैनल्स बोल रहे हैं कि आज अनाउंस होगा नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। दोस्तों आज जो 25 जून को सुनवाई है वो है CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, यानी CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये अपडेट है ना, कि इस पर आज सुनवाई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट जो आज अपडेट देगा कि एग्ज़ाम अगर कैंसिल करता है तो उस अकॉर्डिंग आपके नीट और जो एग्ज़ाम्स के जो पोस्टपोन्ड होने की जो उम्मीद है वो 100% हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, तो फिर चांसेस कम होते हैं। वैसे हम सभी प्रे करते हैं गॉड से कि आपके फैसले, जो फैसला है वो आपके पक्ष में आए और नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, लेकिन अब जो मेन फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। दूसरी अपडेट, अब जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आखिर अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक आएगा। तो दोस्तों अभी तक जो अपडेट मिल पा रही है, अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हैं तो आप MHRD के लाइव पेज पे जाइएगा, जहां पर एक अपडेट है कि 28 जून, यानी ठीक आज से 3 दिनों के बाद संडे को MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक लाइव सेशन करेंगे, वेबिनार करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, और उसमें वो बच्चों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप सभी ट्विटर पे लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस कर रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के ट्वीट्स, आप सभी के मैसेजेस, पेरेंट्स के रिक्वेस्ट, बच्चों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए MHRD मिनिस्टर 28 जून को अनाउंस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। फिलहाल के लिए आप सभी को ये तीनों अपडेट मैंने बता दी हैं। अब आपको करना क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। दोस्तों एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा तो उसकी अपडेट आपके MHRD, NTA, NTA की नीट की साइट और जो यूट्यूब चैनल से वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। 28 जून से पहले से कोई अपडेट आने वाली नहीं है, बिकॉज ये जो लाइव सेशन है वो MHRD ही करेंगे, मिनिस्टर ही करेंगे, तो वही डिक्लेयर करेंगे एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा। अभी जो आपका फोकस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, वो आपकी स्टडी पर होना चाहिए और अपनी सेफ्टी पर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप सेफ रहेंगे तो आप एक से अधिक एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप पढ़ाई करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अब आप नहीं पढ़ेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी, ना कि किसी यूट्यूब चैनल या किसी मिनिस्टर को होगी। चॉइस इज योर कि आप क्या चाहते हैं। फिलहाल के लिए किसी भी कमेंट को देने से पहले एक बार सोचिएगा कि आपके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या फालतू के टॉपिक्स पे या फालतू के कमेंट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इतना ही, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।